सो बस चलिए फ्रेंड्स, नहा लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है नहाने के बाद। और घर का सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया है। जब भी मासी नहीं आते तब काम ज़्यादा बढ़ तो जाता ही है मेरा। बट एनीवे मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की है, तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा है कि जो अक्सर यहाँ का वॉश एरिया वगैरह मासी एक बार धो के चले जाते हैं, फिर मुझे जाने में इतना आलस आ जाता है। आज मैंने वहीं पर कपड़े धोए, बर्तन धोए, तो अच्छे से वहाँ पर पाउडर वाउडर डाल के घिस घिस के साफ कर दिया है। सो अब आई हूँ किचन में। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ लंच। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ ब्रंच भी नहीं किया, और अब सीधा मैं लंच के लिए आई हूँ। सो और पीछे देखिए कितनी सारी आम एक साथ पक गई है। अब इन सब आम को मुझे स्टोर करना है, इसलिए मैंने डिब्बे भी निकाल के ही रखे हैं। अब आज मुझे टाइम मिलेगा तो आज ही कर लूँगी, क्योंकि फिर ये बहुत ही ओवर राइप हो जाएंगे तो ख़राब भी होने लगी है उसमें से, इसीलिए। चलिए फटाफट से मैं अपने लिए लंच बनाती हूँ। और प्रहान ने अपना लंच कर लिया है, मैं ही बाकी थी, मैंने नहाया। अब मैं आराम से लंच बनाऊँगी और एकदम क्विक वाला बनाऊँगी। तो चलिए एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाऊंगी लेफ्ट ओवर रोटी की एक रेसिपी जो मैं बचपन से खाती आई हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। चार पांच रोटी पड़ी थी कल की, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया और फटाफट से अपना लंच बनाया है। यहाँ पे मैंने रोटी के टुकड़े कर दिए हैं और उसके साथ चार पाँच लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया है। आप इसमें यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन मत ऐड कीजिए, इस तरह से बारीक उसके टुकड़े कीजिए। साथ में मैंने दो हरी मिर्च तीखी वाली ली है और लिया है कड़ी पत्ता। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, उसमें राई, हींग एंड उसके साथ ऐड करेंगे हमने जो बारीक कटा हुआ लहसुन और जो कड़ी पत्ता वगैरह रखा था वो सब ऐड करने के बाद अच्छे से उसे मिक्स कीजिए। और पकने के बाद लहसुन का जो फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में, सो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद करने के बाद मैंने छाछ ऐड की है, वरना छाछ जो है वो फट जाती है। और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, यहाँ पर हो सके उतना खट्टी छाछ लेने की कोशिश कीजिए। और थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के अब मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी और इसे चलाया है। अब इसे यहाँ पे एक उबाल आ जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। यहाँ पे जो हमारी छाछ है वो फट ना जाए, इसीलिए हो सके तो थोड़ा सा धीमी आंच पे गैस रख के इसे इस तरह से चलाते रहिएगा। और एक उबाल आ जाए, उसके नज़दीक आए, तब ये जो बारीक कटी हुई हमने रोटी की थी वो ऐड कर देंगे और धीमी आँच पर इसे 8 से 10 मिनट और कुक करेंगे। दस मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी एकदम गाढ़ी हो जाएगी एंड रेडी हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में उसे निकाल दिया है। स्पेशली मॉनसून के वेदर में ये बहुत अच्छी लगती है, और साथ में फ्राइड भिंडी और फ्राइड मिर्ची के साथ तो ये वाह लाजवाब। ये मेरी बचपन की रेसिपी है, कौन कौन लोग खाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अक्सर हमारे गुजराती लोग और स्पेशली हमारे साइड तो सब लोग इसे खाते ही है। बैक टू माई चैनल पाइल्स लेफ्टर ब्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत दिनों के बाद रेगुलर रूटीन में आई हूँ, सो रेगुलर वीडियोज़ मैंने आज से स्टार्ट किया है शूट करना। सो बीच में मैं जूनागढ़ 2 बार गई थी, एक बार हम लोग सासन गए थे, सो काफ़ी सारी बिजी 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 थी। उसमें ऊपर से बारिश हो गई, घर का काम, प्रहान की स्कूल स्टार्ट हो गई, और इतने सारे काम एक ही साथ आ गए थे कि मोबाइल तो मुझे लेने का ही टाइम नहीं मिला, मतलब इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं शूट किए हुए जो वीडियोस थे उसको एडिट करूं और अपलोड करूं। सो बस यही था, थोड़ा सा बिजी रूटीन चल रहा था एक हफ्ते से। एंड आज मैंने सोचा ही था कि आज से तो पूरा रूटीन में आना ही है, सो सुबह से ही घर के सारे काम जो है वो मैं निपटाने की कोशिश ही कर रही थी। अभी तक कम्प्लीटली मैं फ्री नहीं हुई हूँ। मैं आपको अभी दिखाती हूँ पीछे वाले कमरे की क्या हालत हो रखी है। अभी मैं जूनागढ़ गई थी एक दिन के लिए बीच में, और उसमें मैं गई थी डी मार्ट में, क्योंकि जब भी जूनागढ़ जाती हूँ और कार लेके जाती हूँ तो मेरा यही प्लान होता है कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं डी मार्ट ज़रूर जाऊँगी। सो मैं डी मार्ट गई थी, और ये सारी ही ग्रोसरीज यहाँ पे भी है, इसके नीचे भी है, इसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी है, सब कुछ यहाँ पे बिखरा बिखरा हुआ है। सो बस यही है कि आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला था, और बारिश
की वजह से जो भी ऑलरेडी कपड़े पड़े थे उन सबको सुखाना, धोना और बस ये यहाँ पे क्या है कि एक ही बालकनी है और बारिश में तो वहाँ पे कपड़े सुखाना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो सारे कपड़े घर में ही सुखाने पड़ते हैं, तो बस कपड़ों में ही लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि ये बारिश के सीज़न में हर एक लेडीज़ कपड़ों के पीछे ही रहती है, कपड़े यहाँ पे सुखाओ, वहाँ पे सुखाओ, बारिश आए तो कपड़े अंदर लो। सो मैं भी बस उन्हीं में बिज़ी थी, अब कपड़े सारे सूख गए हैं तो मैंने पीछे वाले कमरे में ढेर कर दिया है। सो आज प्लान है कि ये पीछे वाला कमरा जो है वो भी मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूँ और किचन की सारी भी जो ग्रोसरीज लेके आई हूँ उनको मैं रिफिल कर दूँ। सो बस चलिए, अभी आज है शाम का टाइम, अभी बजे है 7:30 और अभी तक प्रहान को थोड़ा सा होमवर्क वगैरह करवा रही थी, आज वो सोया नहीं है दोपहर में। सो अब मैं मेरा प्लान है कि आज मैं समोसे बनाऊँ क्योंकि समोसे खाने का मुझे मन कर रहा था, बट अभी बज गए हैं 8। देखती हूँ क्या करती हूँ, अगर समोसे बनाएंगे तो आपको भी दिखाते हैं। चलिए और क्या क्या करते हैं, चलो आज से वीडियो स्टार्ट कर दिया है। सो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारी चैनल पायल्स लाइफस्टाइल ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब यहाँ पे समोसा बनाने के लिए पहले हम जो रोटी का आटा है वो गूंथ के रख देंगे। मैंने लिया है मैदा, उसमें ऐड किया है नमक और अजवाइन डाला है, अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश करके ऐड करके ताकि उसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा सा निकल के आए। और मोन के लिए हम ऑयल डालेंगे, ऑयल की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कीजिएगा ताकि जो समोसे का लेयर है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बने। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा हमें आटा रेडी करना है जिसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो देखिए अच्छे से आटे को इस तरह से मसल लिएगा और थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे करीब 10 मिनट तो रेस्ट के लिए छोड़ ही दीजिए। हो सके तो थोड़ा सा नरम आटा गूंथिए ताकि आपको रोटियां बेलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, वरना जो मैदे की रोटी है जितना हम बेलते जाते हैं उतनी वो श्रिंक होती जाती है। स्टफिंग के लिए हम आलू का मसाला बनाएंगे। मैंने 3 से 4 बड़े आलू को बॉईल कर दिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर ऐड किया है मैंने मटर, मटर को भी मैंने थोड़ा सा 1 सीटी लगा दी थी, वैसे मैं फ्रोज़न मटर ही यूज़ करती हूँ बट उसके साथ भी मैंने 1 सीटी लगा दी है। और यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ पत्ता गोभी ऐड किया है और उसके साथ ही मैंने 1-2 हरी मिर्ची भी चॉप कर ली थी, ढेर सारा हरा धनिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है शक्कर का पाउडर है, थोड़ा सा नमक, अदरक को मैंने इस तरह से ग्रेट करके ऐड किया है, 1/2 से 1/4 नींबू का रस ऐड किया है एंड सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और यस, मैं थोड़ा सा गरम मसाला भूल गई थी, यहाँ पे जो रेडी गरम मसाले का पैकेट आता है मैंने वही लिया है और मैंने करीब 1/4 चम्मच जितना ही ऐड किया है थोड़ा सा इसे फ्लेवर देने के लिए, बस दैट्स इट। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी और गरम मसाले और कुछ भी स्पाइसीनेस ऐड नहीं किया क्योंकि प्रहान को भी इसी टाइप के पसंद है, मेरी मम्मी इस टाइप से बनाती है। तो लास्ट टाइम जब मेरी मम्मी आई थी तब उन्होंने बनाया था तो मेरे हस्बैंड को एकदम ये सिंपल वाले बहुत पसंद आए थे क्योंकि उनको तीखा और गरम मसाले वाला बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। और ये भी मेरी मम्मी की ही ऑथेंटिक रेसिपी है जो हम लोग सालों से इस टाइप से खाते आ रहे हैं, तो यही टेस्ट अच्छा लगता है। अब यहाँ पे इससे जो आलू होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा से चिपचिपे होते हैं और उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच जितना ब्रेड क्रम्स ऐड किया है और ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद अच्छे से उसे मिक्स कर दीजिए और छोटे छोटे उसके इस तरह से बॉल्स रेडी कर दीजिए। यहाँ पे मेरा वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया था, एक्चुअली ये सिनेमेटिक मोड में चला गया था सो क्लियरली नहीं दिख रहा, बट हमें यहाँ पे मैंने सारे ही जो आटा गूंथ के रखा था उसकी पहले मैं रोटियाँ बेल के रख दूँगी एक साथ ही। और साइड में देखिए तो सारे ही मैंने जो स्टफिंग के लिए बॉल्स बना के रेडी कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बीच में कट लगा दिया है और एक साइड मैंने ले ली है देखिए रोटी की। और यहाँ पे मैं जिस तरह से बना रही हूँ आई होप कि आप सबको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, एक थोड़ा सा ट्रायंगल ऊपर की साइड से बनाएंगे एंड
ये जो समोसा बनाने की ट्रिक बहुत ही अलग अलग सब लोग यूज़ करते हैं, बट हमारे यहाँ पे इसी टाइप से बनाती थी मेरी मम्मी, तो मुझे भी यही जो मेथड है वो आने लगी है, तो मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। सो बहुत ही सिंपल है, आप लोग वीडियो देख लीजिए एंड आपको समझ में आ जाएगा। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर वीडियो, क्योंकि ये ब्लर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं एडिट करने गई तब पता चला कि ये तो सिनेमेटिक मोड में शूट हुआ है, बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो मैंने सारे ही इसी टाइप से जो समोसा है उसको बना के रख दिया था, और उसके बाद वन बाय वन मैंने उसे फ्राई किया था। फ्राई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर धीमा रखिए, अगर आप हाई टेम्परेचर में ऐड कर देंगे तो इसके ऊपर फफोले आ जाता है, जो एकदम बोल बोल जैसे बन जाते हैं समोसे में, वो नहीं आने चाहिए। इसीलिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखिए एंड उसके साथ उसको ऐड करेंगे तो इवनली वो कुक भी होंगे अंदर से, एंड आपके समोसे हैं वो क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है, करीब 5 से 7 मिनट एक बैच को निकलने में लगता है। सो देखिए दोनों ही साइड अच्छे से इसे कुक कीजिए और गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे निकाल दीजिए। सो हमारे एकदम सिंपल से, यमी से, और बच्चों के लिए स्पेशल अगर आप बना रहे हैं तो इस टाइप का स्टफिंग वाला मसाला ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमारे फ्रेंड आए थे तो हम लोग गए थे दूसरे दिन द्वारका, ये द्वारका का गेट है। सो बस मज़ा आया, संडे था तो सब लोगों ने साथ में एंजॉय किया। वीडियो थोड़े से लेट चल रहे हैं क्योंकि आजकल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि काफ़ी बिजी चल रही हूँ। सो थोड़ा सा मैंने वहाँ पे शूट किया था। सो ये है द्वारका की मार्केट, यहाँ से हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। फिर बस ये देखिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा तो कंटेंट बन जाए। देखिए अभी द्वारका में इतना ट्रैफिक नहीं था, वैसे बारिश का मौसम था तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। यह है द्वारिका मंदिर, और उसके ऊपर अभी ही जस्ट थोड़ी देर पहले ही जो ध्वजा है वो लगाई थी एंड हम लोगों ने यहाँ पे बाहर से उसके दर्शन किए। सो देखिए प्रहान कितना क्यूट लग रहा था ये राधे कृष्णा लिखा के। सो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आगे हुई इस वीडियो के एंड पे। वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल पायल्स लाइफस्टाइल ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड उसके बाद हम लोग गए थे बेट द्वारका सुदर्शन ब्रिज देखने के लिए। सो ये है एक उसकी झलक एंड उसके बाद निकल के वापस रात को लेट से थोड़ा सा आ गए थे वापस घर। सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।